मम्मी जी, मैं तारीफ ही तो कर रही हूँ। खबर छे माँ, जब हम घर पहुँचे ना, तो मुंह पर कपड़ा लगाए, दुपट्टा कमर में कस के बांध के घर की जो सफाई कर रही थी, मुझे तो पहले लगा कि काम वाली बाई है, फिर मोटा काकी ने पहचान लिया कि अरे ये तो नंदनी है। वैसे ना अच्छा हुआ, घर में एक बहू तो ऐसी आएगी जिसको काम करना पसंद है। वो क्या है ना कि फिर गंगा बा गांव जाएंगे तो आपन ने टेंशन नहीं ना। गंगा बिन तो सालों से गांव गई नहीं है, अब तुम लोग सब काम संभालो तब ना वो जा पाएगी। बिचारी अपने घर का पता भी भूल गई होगी। बस बहुत हंसी आ रही है ना, और जिगर तुम्हें क्या लगता है कि जलपा वो जो टोंट मार रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 5 लाख के डाइनिंग टेबल पर बैठकर किसी गरीब पर इसलिए हंस रहे हो कि तुमने कभी अपने बाप को फटे हुए बनियान में नहीं देखा है। किसी के मेहनती होने का मजाक नहीं उड़ाते हैं जलपा बहू। और एक बात याद रहे कि उसके पीछे रतन सिंह खानदान का नाम जुड़ गया है, वो अब हमारे खानदान की बहू है। ध्यान रहे, नंदिनी के बारे में कोई कुछ गलत नहीं बोलेगा, ना घर में ना घर के बाहर, ना उसके आगे ना उसके पीछे। समझ गए सबके सब? जिगर तुम भी समझ लो और बहू को भी अच्छी तरह समझा लो। सॉरी फॉर बाबू। इस घर में ना मजाक करना ही। अरे जलपा मेरी बात। अब इसमें खाने ने क्या बिगाड़ा है कि ऐसे सब टेबल से उठकर जा रहे हैं? कितने प्यार से बनाया था मैंने। तू चिंता केम करे छे मम्मी, पूछू ने जब मरा दिख रहा जब। भावो, अपनी होने वाली बहू के लिए पक्ष लिया उन्होंने। जब भी तुम्हें लगता है कि वो उसके पर काटेंगे, थैंक यू। सेजल, आखिरी बार कब तुमने मुझे थैंक यू कहा था? अभी कुछ दिन पहले तो कहा था, जब आपने नरेन और नंदिनी के रिश्ते के लिए हाँ कहा था। अच्छा, वो वैसे आज के थैंक यू की वजह मुझे मालूम है। अच्छा, लेकिन थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और वैसे भी इस घर में सबको पता होना चाहिए कि उनका स्थान क्या है इस घर में, और जलपा वो को पता होना चाहिए कि मुंहफट होना और मजाकिया होने में फर्क है। चंचल, इस घर में कुछ सीमाएं हैं, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। हाँ, मैं जानता हूं कि हमारे समधी हमारी बराबरी के नहीं है,
पर उनका मजाक उड़ाने का किसी को हक नहीं है। वैसे अपने बेटे की पसंद तुम्हें पसंद आई? बहुत पसंद आई, बहुत प्यारी है, बहुत समझदार और बड़ी स्मार्ट भी। मशाल लेकर भी ढूंढने जाएंगे ना तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। वो तो खुद मशाल लेकर घूमती है। मतलब? वो मेरा कहने का मतलब है, कुछ भी गलत होते देखती है ना तो बर्दाश्त नहीं होता उसे, बोल पड़ती है। अच्छा, नेता बनने का शौक है? नहीं नहीं नहीं, नेता नहीं, बस कुछ गलत होता है ना तो देख नहीं सकती, रिएक्ट कर देती है। चंचल, तुम्हें मालूम है मैं अपने समाज का प्रमुख क्यों हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि कब कहां कैसे रिएक्ट करना है, और इससे भी ज्यादा लोगों के रिएक्शन को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये तो तुम अपने घर में देख ही रही हो। मोटा भाई है ना, उन्हें उड़ती चिड़िया के पर कैसे काटने हैं बहुत अच्छे से आते हैं। चंचल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, नंदिनी इस घर में ठीक वैसे ही रहेगी जैसे हमारी बाकी बहुएं रहती है। इसी बात का तो डर है मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। मेरी सगाई अब तक हुई नहीं है तो क्या रसम निभाना छोड़ दे? और क्या कहेंगे नरेंद्र कुमार को कि आप खुद ही अपनी अंगूठी खरीद लेना? सुनो, देखो, ये फिर से रसम पे अपने उसूल बिठाने वाली है, देख लीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं बस पूछ रही थी। और वैसे ना मुझे इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो चलो चलो खरीदी करने के लिए। अरे सुना आपने? हाँ। हाँ? क्या हाँ? क्या हाँ? चलो चलो। अच्छा, चलो। आया। ये ईश्वर तामरिया मेरा फोन क्यों काट रहा है? हेमराज रतन सिंह के बेटे के लिए अंगूठी देखनी। क्या हेमराज रतन सिंह? क्यों मजाक कर रहे हैं भाई साहब? इनसे डायमंड लेने की हमारी औकात नहीं है, उनके लिए डायमंड लेने आप हमारी दुकान पर आ गए। मामा, आप एक बार नरेंद्र जी को फोन करके उनसे बात कीजिए ना, वो अपनी चॉइस बता देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हाँ, एक मिनट है। सरेन, अरे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और वो डायमंड मैंने कल दिए थे वो कहाँ है, चेक किया तूने? हाँ बाप, जिगर भाई। जगर भाई, ये डायमंड चेक किए, ये अच्छे से तराशे हुए नहीं है। अच्छा जी, एक सेकंड, कॉल आ रहा है। मामा? नमस्ते मामा जी। नरेंद्र कुमार जी, वो हम लोग आपके लिए रिंग देखने आए थे। ओके ओके, मेरी बात कर रही? जी जी, ये आप खुद बात कर लीजिए। नरेंद्र साहब नमस्कार, हमारा नसीब है जो आपसे बात हो रही है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, फोन स्पीकर पे तो नहीं है ना? नहीं नहीं। तो मैं जब भी बोलूंगा ना, आप उसको ध्यान से सुन, आपके शॉप की सबसे महंगी रिंग आप इनको देंगे, और वो भी बिल्कुल आधे रेट में। जी जी, क्योंकि बाकी का जो आधा रेट होगा वो आप राजकोट आके मुझसे ले लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। जी नरेंद्र साहब, मैं समझ गया। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, ये लीजिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बात डायमंड किंग के बेटे से हुई है। ये लीजिए भाई साहब, उनकी पसंद से ठीक रहेगी। अच्छी है। सरस चीने कितने की है? बस 60,000 की।
60,000 मैं लगा थोड़ा महंगी होगी। हाँ भाई साहब, आपके लिए कोई मुनाफा बचता है या नहीं? अरे नरेन साहब से बात हो गई, यही मेरे लिए मुनाफा है। हेमराज सेठ का फोन, हेमराज सेठ का फोन है। तुम सुबह से फोन आ रहा है ना, जरा फोन अटेंड करके आता हूँ। बिल करवा देना। हाँ। अच्छा गमे छे? बस छे, बिल कर दीजिए। जी हाँ हेमराज सेठ, दरअसल मैं आपको। ईश्वर भाई क्या है ये, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता मेरे पीछे पड़े रहते हैं, उन सबको छोड़ के सुबह से मैं आपको फोन कर रहा हूँ और आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं? नहीं 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 हिमराज भाई, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। दरअसल क्या हुआ, मैं और नंदिनी जो है हम लोग जा रहे थे तो। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि पेपर साइन हुए कि नहीं? नहीं वो साइन तो नहीं हो पाए अभी, दरअसल। नंदिनी पेपर क्या हुआ? बाप रे, नंदिनी ऐसे कैसे केयरलेस हो सकती है? इतने बड़े खानदान की बहू बनने वाली है और जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है, और आप ही क्या है, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स ऐसे ही छोड़ दिए कि कोई भी पढ़ सके? हमारे भाई दरअसल अच्छा ही हुआ ना पेपर फट गए, नहीं तो नंदिनी पढ़ लेती। यही संस्कार दिए हैं आपने अपनी भांजी को कि दूसरों के लेटर्स नहीं पढ़ते, और स्कूल में भी क्या आप यही सिखाते हो? माफी चाहता हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी हेमराज भाई। आप वो गिफ्ट डीड के पेपर्स ना ईमेल पे भेज दीजिए मेहुल के, हम लोग प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। मेल करवाने का पॉसिबल था तो फिर कुरियर करवाने का रिस्क क्यों लेने दिया मुझे? खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं। नहीं नहीं दरअसल मुझे लगा कि मैं काम करो, मैं मेहुल के मेल पर भेज दूंगा, शायद उसका आईडी है मेरे पास, नहीं वरना एक काम करिए मुझे फिर से भेज दीजिए आईडी। जी। और हाँ ईश्वर भाई, मुझे ये बताइए कि बारातियों के रुकने का क्या बंदोबस्त किया आपने? वो तो हमने कर दिया है, यहीं उपलेटा में कर दिया, अपने समाज के भवन में। वहाँ का समाज भवन मेरी फैमिली के रहने लायक है? बहुत अच्छा रिनोवेट हो गया है हेमराज भाई अभी। वो मुझे मत बताइए ईश्वर भाई, उसके रिनोवेशन का अप्रूवल मैंने ही दिया था। जितने भी बाराती आ रहे हैं उसके लिए अटैच बाथरूम वाला एसी रूम बुक करवाइए, वहाँ पे है 2-3 अच्छे होटल, वो क्या नाम, हाँ ग्रीन सैंड होटल, वो बुक करवाइए। ग्रीन सैंड? क्या हुआ ईश्वर भाई, चुप क्यों हो गए? मैंने आपको थोड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए यूरोप या स्विट्जरलैंड का नाम दिया है। मामा फोन रखिए, हेमराज सेठ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, फोन ये तो ही अच्छे। अरे देखो अंगूठी और घड़ी का हो गया है, बस अभी कपड़े का बाकी है, चलो आ जाओ। नहीं नहीं तो ये दोनों काम तुम दोनों कर लो ना, मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है मेहुल से मिलने। अरे 2 मिनट लगेंगे, दुकान तो इधर बगल में ही है। अरे तो 2 मिनट लगेंगे बगल में, तो तुम दोनों जाके कर लो ना, बोल तो रहा हूँ। मेरे को फैशन की इतनी सेंस नहीं है, गलत लिया है तो फिर कहोगे गलत लिया है। बोल दिया एक बार कि मेहुल से मिलना है अर्जेंट। कोमल जी जाओ जाओ मारे शू। मामा जी ऐसे तो कभी बात नहीं करते, कुछ तो बात है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।